चुप तो हमको भी है इस बात का कोई लिया कि महाजन लोग और तमाशा नहीं किए। खैर छोड़ो, हाँ हमारे फायदे का बात है तो हमको क्या करना है, काहे नहीं सोचना ये सब, छोड़ो। सोचने की एक बात तो है मॉम, बस एक ही बात है जो मुझे इतना परेशान कर रही है और वो है बेबी यूजे। यूजे बेबी, तीजी ने अपने फायदे के लिए एक बच्चे को अपनी माँ से अलग करके ना बिल्कुल सही नहीं किया। इस शादी को किसी भी हाल में मुझे रोकना ही होगा, किसी भी हाल में। मैम, मैम ये सुनी, तुम फिकर ना कर, हाँ उजी बाबू को सिर्फ प्यार करने का नाटक कर दिया। अरे उजी बेबी के लिए इतना सारा दाई नौकर उका कहते नैनी, हाँ वो सब है ना, वो करेंगे सब कुछ उके लिए, हाँ तुमको कौन सा उका सुसु पॉटी साफ करना है। हाँ मॉम, मॉम मुझे वो बच्चा चाहिए ही नहीं। वो मेरा बच्चा नहीं है, वो उस रूही का बच्चा है। कल को मेरा बच्चा होगा तो वो यूजे बेबी से छोटा होगा कि नहीं, और बड़ा कौन होगा उस रूही का बच्चा, तो वंशज कौन बनेगा, वो बेबी यूजे। प्लीज मॉम मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज आप कुछ कीजिए। बात तो तुम ठीक है कह रही हो कोयल, हम यूजे बेबी का क्या करना है वो देख ले पे। तुम चिंता ना कर, हम है ना। ठीक है मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। कुछ तो करके पड़ी। मॉम आप क्यों आई, किसी सर्वेंट को भेज देती ना। क्यों, मेरे करने से प्रॉब्लम है? हाँ मॉम लग रहा है मुझे आप क्या कर रहे हो। छोड़ो मैं खुद कर लेती हूँ। खुद तो तुम बहुत कुछ अपने आप ही करने लगी हो मिराया, तभी तो तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी मैस में है। मॉम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, तुमने मुझे शादी के लिए मना किया था, हाँ तो इतनी जल्दी शादी के लिए तुम इतनी उतावली, इतनी ईगर क्यों हो रही हो, बोलो। मॉम आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या किया? रियली आई एम योर मॉम मिराया, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम भूल गई तुम एक महाजन हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि वो डिस्गस्टिंग सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तुम्हें उससे बेहतर कोई मिला नहीं। सो इस रिश्ते को यहीं रैप अप करो और खत्म करो। मिराया मैं पहली और आखिरी बार तुम्हें प्यार से कह रही हूं कि फिनिश दिस रिलेशनशिप। मॉम आई लव हिम। मिराया डू यू इवन नो व्हाट इज लव, हाँ गार्ड की महाजन की बेटी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, हैव सम शेम मिराया, यू जस्ट लॉस्ट योर माइंड। मॉम निखिल अच्छा लड़का है, ईमानदार है और मैं उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह से बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। डोंट टेक हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी, ये रिश्ता यही एंड करो। और तुम जानती हो तुम्हारी मॉम को, कारगी महाजन को, कि वो क्या कर सकती है। मॉम मॉम प्लीज आप कुछ नहीं करोगी, मॉम आई लव हिम। मुझे
आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपकी मम्मी का तो यहां से जाना नहीं रोक पाई, बट मैं आप पर बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। यूजे, अम्मा याद आ रही है, जैसे इस बुक के अंत में मामा बेर और बीबी बेर मिलते हैं ना, वैसे आप भी अपनी मम्मी से बहुत जल्द मिलोगे। ये आपकी बुआ का प्रॉमिस है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यूजे, अब आप और मैं मिलकर आपके पापा की शादी रोकेंगे। दादा बाबू, मैं मानती हूँ कोयल इमेच्योर है, पर ट्रस्ट मी, एक अच्छी लड़की है और यूजी के लिए एक परफेक्ट मॉम साबित होगी। यस दादा बाबू, आई प्रॉमिस, मैं एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। प्लीज मुझे बस एक चांस दीजिए। दादा बाबू, कोयल बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने युग विजय को कोयल के साथ देखा है, उसे खुश खेलते हुए देखा है, और मुझे पता है कि कोयल भी युग विजय से बहुत प्यार करती है। दादा बाबू, हमारे लिए, हमारे युग विजय के फ्यूचर के लिए प्लीज कोयल को एक चांस दीजिए ना। नो, दादा बाबू, आप ही तो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज ट्रस्ट मी, कोयल डीजे और यूजे के लिए परफेक्ट साबित होगी। और आज एक शुभ मुहूर्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अरसे से इस महाजन हाउस में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, कोई खुशियां नहीं आई हैं, सो प्लीज ये सेरेमनी मत रोकिए। ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है कि कोयल अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा लेगी, तो मैं शुभ काम में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये रस्म पूरी की जाए। जी बिल्कुल, हाँ हाँ, कहीं नहीं। दोनों कितने अच्छे लग रहे ना टुगेदर। हाँ एकदम, राम मिलाई जोड़ी, आज तो नजर उतारी की पड़ी। हाँ, थैंक गॉड रूही इज आउट ऑफ आवर लाइव्स। किसी भी एंगल से मेरे बेटे डीजे के साथ तो बिल्कुल सूट नहीं करती थी, पर हमारी फैमिली और महाजन के साथ तो बिल्कुल नहीं। गॉन फॉर गुड, परफेक्ट।
मैम ये प्लान भी फेल हो गया, क्या करेंगे अब? ऑनेस्टली रोज मैं हमारे प्लान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मुझे मुल्तानी अंकल की कही हुई बात याद आ रही है। योविका, ये दिग्विजय और कोयल की शादी एक्चुअली एक बिजनेस अलायंस है सृष्टि और दिग्विजय के बीच, और ये उस पोर्ट से जुड़े हैं जो तुम महाजन के साथ मिलकर बना रही हो। ये शादी और ये अलायंस हुआ तो इसका असर तुम पर भी होगा, और वो बुरा ही होगा। मम्मी, I'm sorry बेटा, इस बार मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। मम्मी, आपसे जितना हो सकता था आपने किया, और आप सॉरी मत बोलो। मैं सच कहूं, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारा प्लान वर्क कर जाएगा, लेकिन वो सृष्टि जी, वो इतनी चालाक है ना, उन्होंने वो एक मौका देने की बात करके ना पूरा गेम ही बदल दिया। ऐसे में आप क्या ही करते? युविका मेरे साथ आओ। वहां देखो, सारे विलन्स एक साथ हैं। शैतानों के चेहरे देखो, शैतानों की पूरी टोली है ये। लेकिन युविका एक बात ध्यान से देखो, उन सब के बीच एकता है। सिचुएशन कोई भी हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके लड़ते हैं। ये है डीजे की ताकत। अगर तुम्हें डीजे को हराना है ना, तो इस टोली को तोड़ना होगा तुम्हें, डीजे की इस ताकत को कमजोर करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.